साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप किसी स्ट्रीट डॉग की सेवा करना चाहते हैं और उस स्ट्रीट डॉग के ऊपर बहुत सारे टिक्स लगे हुए हैं, चिंचड़ लगे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कई भाई कमेंट कर रहे हैं सर हजारों टिक्स लगे हुए हैं क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में आपको आज दो फॉर्मूले ऐसे बताऊँगा, एक फॉर्मूला जो लगभग फ्री का है, एक फॉर्मूला जिसमें मात्र नहीं के बराबर खर्चा आने वाला है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे और इतनी सेवा तो आप स्ट्रीट डॉग की कर सकते हैं। अगर कोई भी स्ट्रीट डॉग आपने घर पे पाल रखा है, उसके टिक्स लग गए हैं तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, तो जो गली में है उस पर भी ये फॉर्मूला बहुत ही सुपर तरीके से काम करेगा। करना क्या है देखिए, नंबर वन आपको एक विशेष चीज़ लेनी है जिसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर। विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, आप सभी जानते हैं सिरका। तो ये जो सिरका है ना, एप्पल साइडर विनेगर यानी एप्पल का सिरका विनेगर, ये आपको इस्तेमाल करना है। अगर हम लें इसको कंप्लीट तो ये देखिए एप्पल साइडर विनेगर, ये वो चीज़ है जो डॉग के लिए बहुत ही शानदार साबित होगी और बिल्कुल यूज़ करना ईजी है, कोई परेशानी नहीं है। आप करेंगे क्या, कई डॉग इसके लिए सेंसिटिव होते हैं तो उनकी जांच हम पहले ही कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपने आधा लीटर पानी लिया, कितना पानी लिया आधा लीटर, और एक स्प्रे बोतल में डाल दिया, जो नाई वाली बोतल होती है बार्बर वाली स्प्रे बोतल, उसमें आपने डाल दिया। स्प्रे बोतल में आपने आधा लीटर पानी डाला, उसमें आप शुरुआत में जब पहला आप छिड़काव कर रहे हैं उस समय मात्र 7 ml, कितना लेंगे मात्र 7 ml आप उसमें डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर 7 ml, ठीक है। तो 7 ml आप डाल करके 500 ml में 7 ml डालना है और डॉग के ऊपर स्प्रे कर देना है। आपने देखा किसी प्रकार का कोई रिएक्शंस एलर्जीज कुछ भी नहीं हुई है, वो नॉर्मल है, तो नेक्स्ट टाइम इस डोज को कर देंगे डबल। जी हाँ, नेक्स्ट टाइम 500 ml में हम डालेंगे 15 ml। तो 15 ml एप्पल साइडर विनेगर डाल करके सप्ताह में एक बार आप उसकी सेवा इतनी तो ज़रूर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री का तरीका है जो आप कर सकते हैं और आसान भी है, सबसे बड़ी बात आसान भी है, तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड जो सबसे आसान और कुछ पैसों वाला मामला है, उसमें आपको क्या करना है, एक मार्केट से दवा लेके आनी है। ये दवाएं 3 प्रकार की आती हैं, आप कोई सी भी एक दवा लेकर के आ जाना। जैसे यहाँ पर भाई ने लगाई है और वो है एमित्राज, ये एमित्राज के नाम से भी आती है, ये साइपरमेथ्रिन के नाम से भी आती है, तो ये डेल्टा मैथ्रिन के नाम से भी आती है। तो साइपरमेथ्रिन, डेल्टा मैथ्रिन या एमित्राज, इन तीनों में से कोई सी भी आप एक लेकर के आ जाइए। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है इसको भी विशेष सुनिए। 500 ml की वही स्प्रे बोतल जो है, उस स्प्रे बोतल में हमें क्या करना है, उस स्प्रे बोतल में हमें शुरुआत में इसको मात्र 2 ml मिलाना है, 500 ml में 2 ml मिलाना है और छिड़काव कर देना है डॉग के ऊपर कम्प्लीटली। मात्र 2 ml 500 ml में मिलाया, 2 ml और छिड़काव कर दिया, जहाँ जहाँ टिक्स ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ अच्छी तरीके से छिड़काव कर दिया, टेंशन खत्म, पूरे टिक्स एकदम से सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड टाइम जब भी आप छिड़काव करते हैं, पहली बार किया कोई रिएक्शंस कोई एलर्जेंस कुछ भी नहीं हुआ, सेकेंड टाइम इसकी डोज को डबल कर दीजिए, बस 4 ml, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो सेकेंड टाइम आपने इसकी डोज को कर दिया 4 ml, ये 4 ml लेकर के और डॉग के ऊपर आप अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए, शानदार तरीके से स्प्रे कर दीजिए, जहाँ जहाँ चिंचड़ ज़्यादा है पूरा उसको नम कर दीजिए। उसके बाद कई भाइयों के प्रश्न रहेंगे कि सर चाट ले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 2% घोल बनाया तो, ये सॉरी 2 ml वाला घोल बनाया, 2% नहीं कहेंगे, 2 ml वाला घोल बनाया तो यहाँ कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आपने 4 ml वाला घोल बनाया तो थोड़ी सी टेंशन रहेगी। तो ऐसी सूरत में आप घंटे भर तक ध्यान रखें कि उसका थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। वैसे भी जब 4 ml मिला करके स्प्रे करते हैं ना, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना ही पड़ता है कि कहीं कोई एलर्जी ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए, खुजली ना हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जाए, तो उसके लिए आप ये काम कीजिए। तो भाई टिक्स जो है वो स्ट्रीट डॉग के, चाहे वो आपके घर पर हैं या गली में हैं, आप कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं।